माय चैनल। गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दे रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ गिव मी वन लाइक, और अगर बहुत अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पे या रिलेटिव के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कॉम का यूज़ आप किस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में कुछ डिफरेंट मैं करने वाली हूँ। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है कि जो आप छोटी मोटी DIY करते हो दूसरी चीज़ों से, वो बहुत अच्छा लगता है, तब मैंने कॉम से आज DIY करने का सोचा है कि कुछ DIY होंगे इसमें और कुछ डिफरेंट तरीके मैं कॉम के बताऊंगी, जिससे आप बहुत इजीली कई मुश्किलों को अपने ईजी कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह से फ्लावर बना रखा है। ये मैंने अपने बेटे की कॉपी को पूरा डेकोरेट किया है इससे, और साथ साथ इससे आप रूम भी डेकोरेट कर सकते हो। और बच्चों का अक्सर प्रोजेक्ट आता है, उसको इस तरह से आप बना करके कुछ अलग कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है ये बनाने में। तो इसको हम कॉम की हेल्प से बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दे रहा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो यहाँ पे इस तरह की मैंने जो पट्टी आती है पेपर की कटिंग, थोड़ी मोटी वाली आती है, प्लास्टिक की भी आती है इसमें की, आप वो ले सकते हैं। और इसके अलावा आप हार्ड वाला गोटा पट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से रूम और कॉपी नोटबुक्स को डेकोरेट करना। तो मैं इससे बता रही हूँ, आप चाहो तो गोटा पट्टी से भी इसको कर सकते हो। तो इस तरह से बीचों बीच में हम फ्लावर छोटा बना रहे हैं, तो इसको बीचों बीच में इस तरह से मैंने लगा रखा है, और दूसरे वाले पार्ट को हमें एक दूसरे पे इस तरह से चढ़ाना है। ये देखिए बीच वाला पार्ट जो है नहीं मैंने फिल किया है, बाकी साइड साइड में फिल किया है। नीचे से यही लाना है और यहाँ से दूसरे वाले कंघी के जो दाता है उसमें निकालना है। ये देखिए कुछ इस तरह से पीछे से आएगा पूरा, और आगे से ये कुछ गैप आएगा। अभी ये जब थोड़ा और फिल होगा तब आपको ये समझ में आएगा। अब हमें इसी तरह से देखिए पीछे पूरा है, और ये ऊपर से मैं इसमें इस तरह से फिल करूँगी। देखिए फिर ला करके हमें फिर से इसमें इस तरह से करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये जितना बड़ा फ्लावर आपको बनाना है, इसकी लीव अभी पहली पैटर्न्स बन रहा है उसके, तो उतना ज़्यादा आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। इस तरह से एडजस्ट करते जाएंगे, और पीछे से देखिए ये बराबर आएगा, ऊपर से ये आपकी डिज़ाइन आएगी। ये हमको इसी तरह से करते जाना है, जितना बड़ा पीस चाहिए आपको। थोड़ा सा हल्का सा इसको खींचे रहेंगे ताकि ये टाइट रहे, नीचे से भी ऊपर से भी और यहाँ से भी। देखिए ये लास्ट आ गया है, यहाँ बचा है जो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से कुछ बन के आएगा, आप देख सकते हो, और पीछे से ये बिल्कुल बराबर, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। उसके बाद से हल्के हल्के हाथों से इसको आगे बढ़ाना है इस पूरी डिज़ाइन को। मैं निकाल दे रही हूँ इसको, और इसको पकड़ के ये जो डिज़ाइन है हमारी ये अंदर की तरफ जाएगी यूं, और इस तरह से कुछ ये करना है हमें। तो यहाँ पे हमें दूसरा कलर का दूसरा मैं लगा रही हूँ इसमें कागज़, जो पट्टी है हमारी, तो हल्का सा हम इसमें गोंद के साथ इसको हम यहाँ से चिपका देंगे बहुत हल्का सा, और दो तीन बारी इसको हम मोड़ लेंगे। अब ये दिखने में ऐसा लग रहा है, जब ये कंप्लीट होगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा। फिर इस पर अलग से दो तीन फेरा हमें अलग से पेपर को ऐसे घुमा देना है। देखिए मैंने ऊपर से घुमाया हुआ है, और ये कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पर और फ्लावर बनाए हैं। अब हम इसको इनको आपस में इस तरह से स्टिक कर देंगे, जितने भी आपको जितना बड़ा फ्लावर बनाना है
उस तरह से ये आप इस तरह से लगाएंगे। यहाँ मैंने अभी कम बनाया है तो ये 5 ही पीसेस है मेरे, इसमें मैंने 6 लगाए हैं, तो कुछ इस तरह से ये बनेगा। और तो और आप इसको फ्लावर के शेप में पत्तियाँ लगा सकते हैं, इस तरह से आप बीच में आप इसमें डंठल लगा सकते हैं और ये बहुत ही प्यारी लगेगी पीस। तो आप इस तरह भी डेकोरेट कर सकते हैं अलमारी पे, रूम पे और बच्चों की नोटबुक पे, बहुत सारे आइडियाज़ के साथ इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये पीस देख सकते हो आप कितनी प्यारी लग रही है। एक साथ मैंने इसमें इसको चिपका दिया है तो ये इस तरह से दिख रहा है कुछ। तो आई होप ये वाला पहला वाला मेरा जो मेथड है आपको पसंद आया होगा। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं गाइस। जो सेकंड टिप मैं बता रही हूँ, अगली टिप जो इससे है वो भी बहुत ही आसान है और बहुत काम की है आपके। अक्सर क्या होता है कि काटी को हैमर से लगाते वक्त हाथों में अक्सर हमें चोट लग जाती है, क्योंकि ये इस तरह से पकड़ के हमें डिस्टेंस पे इसको ठोकना होता है। और क्या होता है कि कभी कभी बहुत छोटी छोटी होती है, जैसे देखिए ये बहुत छोटी है, ये सब तो बड़ी बड़ी है लेकिन ये बहुत छोटी हो जाती है, तो अपने को भी डर लगता है और कभी कभी क्या होता है कि चोट लगी जाती है। तो कॉम की हेल्प से आप इसको भी बहुत इजीली कर सकते हो। बस कॉम को करना क्या है कि आपको कॉम को इसमें फंसा दो इस तरह से, देखिए मैंने आपके सामने फंसा दिया। अब आप दीवार पे उसको इस तरह से लगा करके कंघी को नीचे से आप पकड़ सकते हैं इस तरह से, और बहुत इजीली इसको जैसे भी चाहो खड़ा करके आप बहुत इजीली आप हैमर से इसको ठोक सकते हो और बहुत अच्छे से ये बिना आपके चोट लगाए हुए ये हो जाएगा। आप बड़ी काठी को भी अगर आपको इसी तरह करना है तो ये भी बहुत इजीली इस तरह से फंसा के और ये दीवार में आप अच्छे से जहाँ भी चाहो आप इसको ठोक सकते हो। कभी कभी बच्चे भी ये ट्राई कर लेते हैं कि अपने से कोशिश करते हैं, तो ये मेथड से उनका भी हाथ सेफ रहेगा और वो थोड़ी डिस्टेंस बना के अगर वो पकड़ के करते हैं तो भी वो नहीं मुश्किल होगी। तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत सेफ़ है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो इस कॉम की हेल्प से। तो आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आए। तो कॉम से जो अगली टिप है वो है एक कढ़ाई की डिज़ाइन, जो मैं कॉम से करके आपको दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे देख लीजिए कपड़ा ले रखा है और फ्रेम में मैंने लगा रखा है, छोटा बड़ा कोई भी फ्रेम उसमें आप लगा लें। और यहाँ बड़ी सुई में मैंने ऊन ले रखा है। ये वाले पीस जो बना रही हूँ पहले वो मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये बन रही है। तो बस सिंपल क्या करना है कि बस इस तरह से आप देख रहे हो कि किस तरह से ये करना है इस तरह से। और यहाँ मैं ये लाइन डबल कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से और उभर के आता है डबल करने से। तो देखिए यहाँ से डबल कर दिया मैंने, अब हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो गाइज अब कॉम से हम फ्लावर बनाते हैं। तो यहाँ पे छोटी सुई लेनी है और सुई में धागा डाल रखा है और फ्लावर जो है हम ऊन से बनाएंगे, तो पुराने ऊन का यहाँ पे यूज़ आप कर सकते हो। और ये वाली जो सुई है उसको हम ये कॉम पे यहाँ पे लास्ट में इस तरह से रख लेंगे और ये हाथ से दबाए रहेंगे। साथ में ये वाला छोर भी जो है इसका ऊन का वो भी हम दबा लेंगे इसी तरह से। तो सुई और दोनों चीज़ों को इस तरह से हम दबा लेंगे। अब हम इसमें लपेटना स्टार्ट करेंगे, बस ये 4 से 5 इसके दांत का हम यूज़ करेंगे कॉम के, आगे और 2 आगे 2 पीछे मैं कर रही हूँ इस तरह से। ये वाला बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो स्वेटर में बच्चों के डेकोरेट करने के लिए, या फिर उनकी जो टी शर्ट वगैरह आती है उसमें भी आप इसको पूरा हम फिल कर लेंगे इस तरह से। और ये सुई के ऊपर सुई इसी तरह से अंदर हमें लगानी है। इस तरह से ये आगे पीछे देखिए इसके दांते में हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं जो कंघी का तीत है उसमें, और सुई को भी एडजस्ट उसी में है और इसको हाथ से नीचे करते जाना है और इस तरह से इसको पूरा फिल कर देंगे।
देखिए एकदम ये अंदर तक इसको और दबा दबा के, क्योंकि फ्लावर तब बड़ा होगा इसलिए अंदर तक इसको करना है। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, चूँकि हमारा कंघी फुल हो चुका है, और धीरे धीरे हम इसको सरका सरका के निकाल लेंगे। और यहाँ पे सुई को खींच करके इसको पूरा ऐसे गोल सर्कल में लाना है, और इसको हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा धागों को। ये फ्लावर बन के रेडी है, अब इसको हम इस पर लगा लेंगे जिस तरह से मैंने बाकी लगाया है। इस पर बेसिकली गाइस एक फ्लावर पे दो शेड लगाएं तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। अगर इसी फ्लावर पे एक छोटा फ्लावर दो शेड का बना के लगाएंगे आप दूसरे कलर का, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और इस तरह से आप स्वेटर में ज़्यादातर करके ये डिज़ाइन अच्छी लगती है, तो कॉम से ये वाली भी डिज़ाइन आप कर सकते हो। गाइस नेक्स्ट जो ट्रिक मैं शेयर कर रही हूँ कॉम से, वो है बेडशीट को की सेटिंग। इस कंघी से बेडशीट की सेटिंग बहुत ही अच्छी होती है। इसका पूरा वीडियो पूरा ट्यूटोरियल मेरा है जो मैंने 1 से 2 महीना पहले ही डाल दिया था, तो आज मैं वो शेयर करती हूँ कि आपको बहुत इजीली बेडशीट को भी इससे आप लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए साइड में कॉर्नर लगाने के बाद झटपट आप हाथ अगर डालते हैं हम, तो ये नेल टूटने का डर होता है, साथ ही साथ चोट लगने का भी उंगली में डर होता है, और अगर हैवी मैट्रेस है तो उठाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कंघी की हेल्प से आप बहुत इजीली इस तरह से देखिए कॉम से बेडशीट की सेट कर सकते हैं। पूरा अंदर तक ये जाता है और पूरी अच्छे से दब जाता है ये बेडशीट, और इससे आप बेडशीट की भी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं उस साइड भी करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एक लाइन मेरी पूरी सेट हो गई आपके सामने, तो उस साइड भी करके देख लेते हैं। तो ये वाला कॉर्नर भी देखिए मैंने निकाल के रखा है, और मैं इसको सेट करके दिखाती हूँ कि कितना जल्दी ये इजीली हो जाता है मैट्रेस के अंदर। देखिए कितने जल्दी जल्दी ये फिक्स हो जाता है, और देखिए ये पूरा ये भी हो गया, और ये अच्छे से अंदर तक दबता है, ऊपर तक ही नहीं दबता है, अंदर तक दबता है। तो कॉम से आप हाथ से ना करके कॉम से आप बेडशीट की सेटिंग करें तो ये बहुत अच्छा होता है, और काफ़ी टाइम तक बेडशीट सेट भी रहती है। तो उम्मीद है ये वाला ट्रिक भी आपको पसंद आया होगा। वहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक जो मैं बताऊँगी कॉम से, तो अब मैंने इस कपड़े पर हल्का सा जंजीरा स्टिच और लेजी डेजी जो होता है वो थोड़ा सा किया है मैंने, और सेम कलर का धागा मैं फ्लावर के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे कलरफुल धागा होता तो ज़्यादा खुल के आता, लेकिन ऑरेंज पे ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया इसी तरह। तो ऊन का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ऊन बहुत अच्छा लगता है इस वाली स्टिच पे। कॉम लेना है, कॉम को जहाँ पर लास्ट में ख़त्म हुआ है वहाँ रखना है यहाँ पर इस तरह से, और धागे को नीचे से लाना है। तो धागा नीचे से पहले मैं ले आती हूँ, बड़ी वाली सुई ली है क्योंकि छोटी वाली में ऊन नहीं जाता है, पतला वाला ऊन हुआ तो वो चला जाएगा आपका, ये मेरा थोड़ा सा मोटा ऊन था। तो कॉम को इस तरह रख करके ये बीच में थोड़ी डिस्टेंस देनी है हमें फ्लावर के लिए, और यहाँ से मैं इस साइड से इसमें कर रही हूँ। तो धागा पकड़ना है और पहले वाले इसके टीथ में इस तरह से जितना बड़ा आपको फ्लावर चाहिए कॉम को आपको उतना ही बड़ा रखना है, और यहाँ तक ले आना है इस तरह से देखिए, और एकदम टाइट रहना चाहिए, और इस तरह से इक्वली ये नीचे जाएगा, इसको टाइट रखना है कॉम को, और फिर वापस लाएंगे हम सुई को थोड़ी दूरी से, और फिर ये धागा ऊपर आ गया है। एक बार जिसमें किया था उसी में फिर से हम रिपीट करेंगे, इससे ये घना होगा, और इक्वली कॉम का धागा डिस्टेंस बनाए रखना है, और यहाँ ला करके इन कर देना है सुई को फिर से अंदर इसी तरह से। हमें इसको फिल करना है जितना घना हमें फ्लावर चाहिए, कस के कॉम को फिंगर से इस तरह से दबाए रहे हैं थंब से, और अब ये दूसरे वाले दांत के वाले भी हम कंघी के दांत में डालेंगे इस तरह से,
और फिर नीचे फिल करेंगे। इसी तरह से यहाँ तक मैं करूँगी और हर बारी एक में दो दो बार करना है। ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। अब हम इसको कॉम को ऊपर से निकाल देंगे। और गाइस, कॉम की हेल्प से कुछ इस तरह से आप फ्लावर को बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं इसको। इस तरह से इसको अलग अलग कर देंगे हम अच्छे से, ताकि इसके जो एक्स्ट्रा रोएं हैं वो निकल आएंगे और ये ज़्यादा फैला हुआ नज़र आएगा। तो ये रही कुछ कॉम के साथ मेरी ट्रिक एंड ट्रिप्स। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। बाय।